যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। কোশ্চেন নম্বর 68, ইসমে কোশিশ মে ইয়ে কর রহা হু কি ট্রিগোনোমেট্রি কো কম সে কম ইউজ করু, ইন সারে প্রবলেম মে সিরফ জিওমেট্রি লাগে, লেকিন জিনমে বহুত थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, साइन थीटा कॉस थीटा, उनको मैं यूज कर ले रहा हूँ ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स को मिक्स करके। इस प्रॉब्लम में दी सिर्फ तीन चीज़ें हैं, एक दो तीन चार, चार चीज़ें दी हैं और सब कुछ पूछ लिया है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, सारे एंगल भी पूछ सकता है, एरिया, ठीक है। तो पूछा है फाइन ट्राइंगल जो ए बी सी है इसका एरिया निकालिए, ये बी सी लेंथ निकालिए, ये बी डी लेंथ निकालिए, बी डी निकालिए, और बल्कि सबसे पहले तो जरूरी है एडी निकालिए, एडी कितना होगा, राइट। तो मैं चाहूंगा कि ये एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः चीज़ें पहले आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लेकर के इस पूरे प्रॉब्लम से जूझिए, उसके बाद फिर आगे सॉल्यूशन पे बढ़ेंगे। इसमें हमें ये ए डी पहले ट्राई करते हैं। सबसे पहले पूछा है ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने की टेक्निक क्या होती है, कोई भी, ये स्केलिन ट्राइंगल है 4:3, दो साइड्स पता है ए बी और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल पता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करो, दो साइड्स हैं ए और बी और उनके बीच का एंगल पता है, तो तुम कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो एरिया, हाफ ऑफ बेस बी इनटू हाइट, हाइट कैसे निकालोगे, ए साइन अल्फा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और ए साइन अल्फा कर लो, यही टेक्निक होती है। इस प्रॉब्लम को सिंपल करो, किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के बीच का एंगल अगर दिया हुआ हो और दोनों साइड्स की वैल्यू दी हुई हो, लेंथ दी हुई हो, तो एरिया कैसे निकालेंगे, ए और बी साइड्स दी हुई है, बीच का एंगल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस भी तो गिवन है, हाइट निकालने के लिए ए और अल्फा दोनों का यूज करके एंगल के अपोजिट में ये आ गया ए साइन अल्फा, तो ए साइन अल्फा यूज कर लेंगे हाइट की तरफ पे, तो यही लॉजिक यहां लगना है, ठीक है। इस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ये आपका 4 है और ये बीच का एंगल 60 है, टोटल सोच के देखिए, ये एंगल 60 डिग्री है, 90, ये 30-30 अलग अलग मत देखिए, पूरे ट्राइंगल को इकट्ठा भी, बीच का सारा हटा दीजिए, सिंपल ऐसे सोचिए, 4 ये है, 3 ये है और ये 60 डिग्री है, राइट। तो कैसे निकालोगे एरिया, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना हो गया 4, हाफ ऑफ बेस कितना हो गया 4 और हाइट कितना हो गया, इस तीन वाले से परपेंडिकुलर डालो उस बेस पे, ये एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल के सामने अपोजिट 3 साइन 60 हो गया ये, राइट। तो कितना आ गया, हाफ ऑफ बेस 4 इंटू हाइट कितना, 3 साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये आ गया 2 2 4 3 √3, एरिया आ गया 3√3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ गया। सबसे पहली चीज तो ये जरूरी पूछा है, कई लोग तो कर दीजिए तो एरिया जाने क्या करते हैं, ये अलग निकालते हैं, ये अलग निकालते हैं, ये जोड़ेंगे, बड़ी देर तक उसी में तैरते रहते हैं और उस पार निकल जाते हैं, सोल्यूशन लेके आते ही नहीं है, ठीक है, सोल्यूशन लेके आते ही नहीं है। चलिए, ट्राइंगल की एरिया मिल गई हमको, एबीसी की एरिया मिल गई। अब पूछा है कि ये बताओ एडी कितना है, अगला जो हमारे लिए बात है कि एडी कितना है भाई, एडी, एडी क्या होगा, अगला सवाल ये है, 4 ये है, 3 ये है, ये एडी कितना होगा, ये भी बड़ी सिंपल सी बात है, जो पिछले एरिया निकाले हो थोड़ा सा ट्रिकी है, इस जो पिछली वाली एरिया थी ट्रायंगल एबीसी की एरिया हमें मिल चुकी है, ये 3√3 आ चुकी है। इसी एरिया को हम दो तरीके से देखें कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मिलकर के इसके बराबर होगा, मान लेता हूं मैं कि एडी की लंबाई एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, अब तुमको ये एंगल पता है, फिर वही लॉजिक यूज करो, ये ट्रायंगल है, दोनों साइड के बीच का एंगल पता है, इससे परपेंडिकुलर डालो, ये 90 डिग्री हो गया, ये राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक्स है तो एंगल के अपोजिट में ये डिस्टेंस हो गई एक्स साइन 30, तो इस ट्रायंगल की एरिया कितनी हो गई, इधर वाले की टोटल, इस टोटल की एरिया, इस टोटल ट्रायंगल की एरिया हो गई हाफ ऑफ
ये बेस कितना है 4 इंटू ये हाइट, ये हाइट कितनी है, ये हाइट हमने यहां से निकाल ली, इस ट्रायंगल से ये हाइट निकाल ली x बाई टू, राइट, तो ये आ गया 4x। और इसी तरह यहां भी करें, इसका एरिया निकालें, यहां से तुम्हें निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया, परपेंडिकुलर डालो, हाफ हाफ, ये बेस है 3 और ये हाइट है, ये हाइट कितना हो जाएगा इसके सामने, ये x है इसके अपोजिट में, ठीक, कितना हो गया x बाई टू, तो ये आ गया हाफ हाफ बेस 3 इंटू हाइट, हाइट कितना आ गया x बाई टू, ये आ गया 3x बाई 4, राइट, ये आ गया 4x और ये आ गया 3x बाई 4, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 19x बाई 4 आ गया, 4x प्लस 19x बाई 4, दिस इज, तो ये एरिया और ये एरिया ये दोनों मिलके शुरू वाले जो निकाले थे इसके बराबर है, कितना आ गया 19x बाई 4 आ गया, यहां से x की वैल्यू आ गई 12√3/19, ये हमारा AD आ गया, AD की वैल्यू आ गई 12√3/19, ये तो इसकी ट्रायंगल की एरिया हो जाएगी हाफ हाफ बेस, बेस कितना 4 और हाइट आ गया x बाई 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये आ गया आपका 2 2 4 से कैंसिल हो गया, ये आ गया x, ये एरिया हमारी x आ गई, ठीक सही है, ये ना ठीक है, इस ट्रायंगल की जो एरिया निकाल रहे हैं इसमें ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो कितना हो गया हाफ हाफ बेस 4 और हाइट निकाल चुके हैं x बाई 2, तो ये 2 2 4 से कैंसिल हुआ आ गया x, ये एरिया निकालते हैं ये वाली इज इक्वल टू हाफ हाफ, बेस कितना हो गया 3 और हाइट कितना हो गया x बाई 2, फिर से ये x है एंगल के अपोजिट में x बाई 2 हो गया, तो ये हो गया 3x बाई 4, इन दोनों को जोड़िएगा आप x और 3x बाई 4 को, तो ये आ जाएगा 7x बाई 4, इसको इज इक्वल टू कर दीजिए 7x बाई 4 टोटल एरिया, ये दोनों जोड़ के ओरिजिनल वाले के बराबर थी, तो x कितना आ गया 12√3/7, इस तरह से हमारा AD आ गया, AD आ गया। अब तीसरी बात पूछा है कि इसकी हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी, और उसके पहले पूछा है BC क्या होगा, BC ध्यान दो, BC निकाल लो, BC तो इजीली निकाल सकते हो यार, ये 60 डिग्री है, ये तुम्हारा 4 है, ये 3 है और ये BC है, BC को y मान लो, कोसाइन रूल लगा दो, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, अगल बगल वाले दोनों के स्क्वायर का सम माइनस सामने वाला स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2 × 3 × 4, यहां से सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा, और जब ये y आ जाएगा तो कितना आ रहा है y, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 12, 12 को इधर लाओ, 12 इज इक्वल टू ये आ गया 25 माइनस वाई स्क्वायर, वाई आ गया √13, तो तुम्हारे BC की वैल्यू आ गई √13। अब तुमसे पूछा है कि ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी, तो ध्यान दो BC आ गया √13, BC आ गया √13, यहां से यहां तक आ गया √13, और ये हमको हाइट नहीं पता है, तो चलो टोटल एरिया निकालो, हाफ हाफ, बेस कितना √13 और हाइट कितना h, ये बराबर वही आना चाहिए जो ओरिजिनल एरिया था, कितना था 3√3, तो यहां से तुम्हारा h आ जाएगा कितना 6√3/13, ये हाइट भी आ गई, तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था एरिया कंजर्वेशन से, एरिया को दो अलग अलग तरीके से a1 प्लस a2 ऐसे करके काफी कुछ सीखोगे, खुद से फिर से ट्राई करो, फिर से डायग्राम पूरा मिटाओ, फिर से वैल्यूज लिखो और खुद से पूरे आंसर तक जाओ।